मोजिज खवातीन हजरत, शॉर्टकट में बस है। आज का एक दिन हमारे लिए बहुत ही नहायत अहम दिन है। हमने कई जलसे किए बसवा कल्याण में, कई कॉर्नर मीटिंग भी किए हमने। हमने हर पार्टी के तरफ से जो उनके कारनामे थे हमने खुलकर बयान भी किए, मगर आज मुख्तसर अंदाज में मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी ने बहुत ही सोच और फिक्र के बाद कांग्रेस में दस्तबरदार हुई है। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने ज़मीर अहमद ख़ान साहब से ये बात की थी कि इख्तदार में आने के बाद कांग्रेस कौम और मिल्लत की फिक्र करेगी। वैसे आप लोग तमाम ये बात से वाकिफ़ है कि ज़मीर अहमद साहब की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं रखती। वो आज के दौर में रियासत कर्नाटक के ये एक हीरो हैं। हम चाहते हैं माह रमज़ान की मुबारक के इस महीने में और आज के रोज़े में हम ये दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला जनाब ज़मीर अहमद साहब को सलामत रखे, उम्र दराज तवील उम्र अता करे और उनकी हर आने वाली बीमारी भलैया से उन्हें महफूज रखे। मेरे दोस्तों, आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 17 अप्रैल की तारीख ये यादगार तारीख है। इस तारीख को आप एक बात जहन में बिठा लें कि सुबह सवेरे सबसे पहले, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है और माह रमज़ान के मौके पर ख़वातीन घरों से ताखिर से निकलती हैं। हम चाहते हैं कि सुबह के औकात में ख़वातीन जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पे पहुँचें और कांग्रेस के मुहर पर जो है ना मुहर लगाएं, कांग्रेस हाथ पर मुहर लगाएं और बटन दबाएं। ये गफलत भूल कर भी ये ना करें। अगर आप गफलत करेंगे तो दुश्मन हम पर हावी होगा। और हमें यकीन है बसवा कल्याण के उम्मीदवार और बसवा कल्याण की यहाँ की कौम और मिल्लत, यहाँ की अवाम खुलकर मुजाहरा करेगी और इंशाअल्लाह 17 अप्रैल को कांग्रेस के इंतेखाबी मुहर हाथ पर मुहर लगाकर कांग्रेस को भारी अक्षर से कामयाबी अता करेंगे।